तो मनगार्ड तो अनबॉक्सिंग हो चुकी है, कल इसका एक इंस्टॉलेशन वीडियो आ जाएगा, ठीक है भाई? ओके थोड़ा पानी वानी मार लेते हैं, फिर घर जाके शैम्पू से घस दिया जाएगा। तो एक और सुहाना दिन और एक और नया ब्लॉग। तो आज संडे और आज मैं करने वाला हूँ सबसे पहले तो मेरी फैट टायर की साफ सफाई। तो आज सबसे पहले मैं अपने फैट टायर को साफ करूंगा, भाई वहाँ पे पानी रेडी कर रहा है। और ये नया मडगार्ड आया फैट टायर के लिए, तो क्योंकि अभी रेनी सीजन है तो रास्ते में कीचड़ वगैरह होती है, जिसकी वजह से पूरा कीचड़ छिटक के टी शर्ट वगैरह में चिपक जाता है हम लोगों का। भाई को भी दिक्कत होता है, मुझे भी दिक्कत होता है, तो ये ऑर्डर किया था हम लोगों ने, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अभी पाइप वगैरह सब कुछ रेडी है, पहले साफ सफाई कर लेते हैं, फिर इसको फाड़ेंगे और फिट करने का कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। रेडी ना भाई? और वो लेके आया हम लोगों का जादुई साफ करने का सामान, क्या बोल दो? क्लीन प्लस। हाँ क्लीन प्लस लेके आया, और एक प्लास्टिक भी लेके आना। भाई ड्यूक तू भी आ जा हेल्प कर। भाई काम करते हैं, इसको फाड़ तो पहले फाड़ ले। इसको हम लोग नीचे ही बैठ कर अरेंज कर लेंगे, कोई स्पेशल टेबल नहीं है इसके लिए। तो ये पीछे वाला टायर के लिए और ये सामने का दो टायर के लिए, ये सब कुछ एक्सेसरीज है। एक्सेसरीज नहीं, यहाँ पे ये फिट होगा और ये पीछे वाला में फिट होगा। कुछ स्क्रू वगैरह भी ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ये कुछ यहाँ पे इस तरह से फिट होगा, पर उससे पहले इसके साइज के हिसाब से मुझे एक नट लेके आना पड़ेगा। तो वो नट मैं मेरी नज़दीकी जो साइकिल रिपेयरिंग शॉप है मैं वहाँ से लेके आता हूँ अभी, उसके बाद इसे फिट करेंगे। चलिए ये भी फिट हो गई है, वो भी फिट हो गई है, अब फिट करके देखते हैं इसको साइकिल में। मेरे को अभी बस एक ही कंफ्यूजन है, ये लगेगा कहाँ पे? यहाँ पे। चल चल जाके नट लेके आता है, चल ना जल्दी साइड से क्रॉस कर आराम से, गिर मत जाना खाली। कोई तो मडगार्ड की फिटिंग तो हो चुकी है। वैसे ये तो मैंने घर पे फिट कर लिया था, और ये इसका मुझे ये नट चाहिए था, नट और बोल्ट, तो उसके लिए मैं पास के गैराज में आया था। तो ये फिट हो गई है, सामने वाली भी फिट हो गई। सामने वाले में बस आप लोग थोड़ा कंफ्यूज मत होना, आप लोग बस देख लेना कि जहाँ से ये एल बन रहा है, मतलब ये जो लंबा वाला पार्ट है ये छोटे वाले हिस्से के लिए, और ये जो ऊपर का पार्ट है ये बड़े वाले हिस्से के लिए, तो आप उसके हिसाब से इसे लगा देना। और यहाँ पे भी एक नट चाहिए होता तो ये नट भी मैंने यहीं से लिया, सामने एक बाइक का गैराज से, या फिर आप कोई भी हार्डवेयर दुकान में जाओगे तो आपको मिल जाएगा एक इंची का नट। तो हो चुका है तैयार, तो यहीं पर थोड़ा पानी वानी मार लेते हैं, फिर घर जाके शैम्पू से घस दिया जाएगा। अभी तो यहाँ पे मैंने हल्का सा वो पानी दे दिया, तो हल्की फुल्की वॉश हो गई, घर जाके थोड़ा शैम्पू वगैरह मार देंगे। चल भाई निकाल निकाल निकाल, चल तो एक बार फिर दीपेश ही चला रहा है और मैं चल चल के जा रहा हूँ, पर इस बार मैं इसको अकेले छोड़ूंगा नहीं, आगे जाने नहीं दूंगा इसका, इसलिए मैं कंधा पकड़ लिया हूँ। अब चल तू धीरे ही चल। Moments later. चल साइकिल का काम तो हो गया, तो वहाँ पे तो यार पानी का स्पीड एकदम जेट की तरह था, तो शैम्पू में बजेगा अच्छे से। ओके तो हाथ से ही घस रहा है रे, एक प्लास्टिक था ना, वाह वेरी गुड, घस ले। ओक आपको पेडिग्री खाने में क्या होता है, हर दिन चिकन चाहिए आपको। वहाँ पास हम लोग ये स्टील का चेन से इसको यहाँ पे बांध के रखते, क्योंकि ये क्या करते हैं, इसको हम लोग जब जब वो नेक का जो स्ट्रैप है वो लगाते हैं, ये क्या करता है पूरा खींचता है उसको, तो उसको खींच के तोड़ देता है। ऑलरेडी इसने एक तोड़ दिया है, और ये भी उसने तोड़ने की कोशिश की थी पर उससे हुआ नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली ये स्टील का है या फिर लोहा का है, उससे तो वो टूटेगा नहीं। बहुत बदमाश हो गया, बहुत बदमाश। ये वो क्या हो गया, ब्लैक ब्लैक मोबिल लग गया, मोबिल